वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। आप सबका स्ट्रीमर्स पे स्वागत है। आज मैं आपको अपने खुद के बाल काटना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो बाल काटना है तो बाल खोलने पड़ेंगे। खोल के हम थोड़ी सी उस पे कंघी करेंगे, ऐसे कि वो सीधे हो जाए ऐसे। फिर हम इसको एकदम नीचे, जैसे हम पोनीटेल बनाते हैं एकदम नीचे, वैसे पकड़ेंगे एक हाथ से। फिर उसको ऐसे करेंगे, फिर ऐसे धीरे से आगे लेके आएंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे बालों में स्प्लिट एंड्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं और बहुत गंदी हालत हो गई है नीचे से। तो आज हम इन्हीं को काटेंगे, कैसे झाड़ू के जैसे हो गए हैं। तो काटने के लिए हमें एक कैंची तो चाहिए। तो इसको हम ऐसे करके दो तीन बार पकड़ेंगे ठीक से, और फिर इन पकड़े हुए बालों को ऐसे करके काटेंगे, ऐसे काटेंगे कि वही कटे हुए बाल हमारे हाथ में गिरे। और फिर हम कैंची को साइड करके इन कटे हुए बालों को एक हाथ में लेंगे। आप देख सकते हैं मेरे बाल कट चुके हैं। और ये तो मेरे वो झाड़ू वाले बाल हाथ में हैं, और ये मेरे ताजे ताजे अच्छे अच्छे बाल। कितने अच्छे बाल लग रहे हैं। अब मैं आपको ये पीछे करके दिखाऊंगी कि हमारा स्ट्रेट कट कैसा हुआ है। अच्छा लग रहा है तो खुद भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। ऐसे हमें जिंदा रहने के लिए खाना खाना चाहिए, वैसे बालों को स्वस्थ रखने के लिए तेल लगाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक ऐसी नोजल वाला एप्लीकेटर लिया है जिससे तेल थोड़ा थोड़ा आएगा और हम स्कैल्प पे आराम से लगा सकेंगे। तो इसमें मैंने तेल मिक्स करे हैं। मैंने लिया है कोकोनट आमला का ऑयल मिक्स हुआ हुआ, एलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, और एक मैंने विटामिन ई की कैप्सूल ली थी, उसको मैंने काट के उसके अंदर का जो केमिकल्स थे वो इसमें डाल दिए हैं और इसको अच्छे से हिला लिया है। अब हम इसको अपने बालों में लगाएंगे। और अच्छे से मसाज करेंगे ताकि स्कैल्प में पहुंच जाए अच्छे से। फिर दूसरी जगह से ऐसे करके पूरे सिर में लगाएंगे। अब हम एप्लीकेटर से थोड़ा सा तेल अपने पाम पे लेंगे और उसको दोनों पाम्स को मल के यहाँ मलेंगे बालों में, और फिर हम अच्छे से मसाज करेंगे बालों की, अपने स्कैल्प की। और आप चाहें तो रात को एक गीला टॉवल गर्म करके अपने सिर पर लपेट सकते हैं, उससे तेल आपके स्कैल्प के अंदर पहुंच जाएगा। और फिर सुबह उठ के शैम्पू करके धो लीजिएगा, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे और आपको भी अच्छा लगेगा जब आप अपने नए नए हेयर स्टाइल्स बनाएंगे उस पे। Thank you.
Thanks for watching the video. Do subscribe, share and like it.